तुम क्या कह रही हो खुशी? तुम तो जानती हो ना तुम्हारी मम्मा को फंसाया गया है, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? लेकिन एक बात याद रखना लड़की, अगर तूने अपना मुंह किसी के सामने खोला और कुछ कहा तो फिर मैं तेरी मॉम को मार डालूंगी और सीधा तेरे पापा के पास भेज दूंगी। नहीं, आप क्यों बोल रही हो? आपने ही मेरे पापा को मारा है। ये तुमसे किसने कहा खुशी? लोगों ने। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ सारे कहते हैं कि तेरी मॉम खूनी है, तेरी मॉम ने ही तेरे पापा को मारा है। झूठ कहते सब लोग। तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा बेटा। But I hate you, Mom, I hate you. अब इसे क्या हो गया है, इसे समझाइए ना। जारा बेटा, आप कुछ कहोगी तो तुम बुरा मान जाओगी, लेकिन खुशी बच्ची है, मैं कितना समझा सकती हूँ इसको। जो सच है वो दुनिया के सामने साबित हो चुका है। अरे जारा, खुशी तो कुछ भी नहीं, तुम अगर अमन की बातें सुनोगी ना बेटा तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। वो तो तुम्हें ही आमिर का कातिल समझता है, कहता है मुझे अपनी माँ की शक्ल तक नहीं देखनी है। अल्लाह झूठ ना भूल पाए। लेकिन जारा, मैंने इतना समझाया अमन को, प्यार से डांटा डपटा लालच दिया, लेकिन वो लड़का है कि मानता ही नहीं, तभी तो आया नहीं तुमसे मिलने। खुशी मेरी बात सुनो बेटा। नहीं नहीं, मुझे मत छुओ। खुशी मम्मा के पास आओ। चल, अब क्या तस्वीर बहा रही है? शौहर को मारते वक्त नहीं सोचा कि बच्चे अनाथ हो जाएंगे? ऐसा मत कहिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, सब यही कहते हैं। चल किया डीके, तो मासूम बच्चों को उनके बाप से अलग कर दिया। एक औरत से उसका सुहाग छीन लिया। तुम्हारे इस गुनाह ने मुझे कहीं का नहीं रखा डीके, तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी, मुझसे मेरे आमिर को छीन लिया। मेरे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे। एक औरत के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी डीके? नहीं डीके, तुम्हें अपने गुनाह की सजा भुगतनी होगी। और आज मैं जारा आमिर खान अपने मरहूम शौहर आमिर खान की कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा जरूर दूंगी। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी डीके जो तुम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। मैं तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा देकर रहूंगी। अब तुम्हारे और तुम्हारी तबाही के बीच सिर्फ उतना ही फासला है जितना मेरी कैद और आजादी के बीच है। ओला, मेरा बच्चा बहुत समझदार हो गया खुशी आजकल, इसलिए मैं उसे इनाम दूंगी। ये ले बेटा 100 रुपए। आइसक्रीम लेकर आ। हाँ, थोड़ी सी इसके लिए भी ले आना बेटा। नहीं, मैं खुशी के लिए आइसक्रीम नहीं लाऊंगा। इसकी मम ने ही मेरी मम को मारा है। आई शाबाश,
तो मेरी समझ से भी ज्यादा समझदार निकला बेटा। दिल खुश कर दिया खुशी इसने मेरा। ये ले बेटा, तू और पैसे ले और सारे पैसों की आइसक्रीम ले आ, खूब सारी आइसक्रीम लेकर आ, जा। नहीं अमन, हमारी मॉम ने हमसे कहा है ना कि अगर हम लोग ज्यादा आइसक्रीम खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो पढ़ने रहना बीमार, तुझे क्या? अमन सुन खुशी, ना मैं तेरी बात सुनूंगा ना तेरी मॉम की, और मुझसे बात भी मत करना सकी तू। अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी खुशी बेटा, लेकिन देखा तूने कैसे धुतकार कर चला गया तुझे। अगर तूने मेरी बात पहले मानी होती तो तुझे दो चीजें मिलती, तेरा भाई भी और तेरी आइसक्रीम भी। मुझे आइसक्रीम नहीं, मुझे अपना भाई चाहिए। चुप कर, बहुत जिभिया चलती है तेरी, काट के रख दूंगी। और सुन, याद रख, अगर तूने अपनी ज़बान ज़्यादा चलाई ना तो मैं तेरी माँ का क्या हशर करूंगी, याद है ना तुझे? प्लीज मेरी माँ को कुछ मत करना, अब जो कहेंगी वो मैं करूंगी। अरे 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 रुक, कहाँ चली मेरी अम्मा? सुन, मैंने तुझे तेरी मॉम से मिलवाया ना तो फिर खुशी, अब मैं बहुत थक गई हूँ, चल मेरे थोड़े पैर दबा दे। हाँ चल दबा। अरे दबा ना बैठ के, बैठ दबा। मैं सोच रही थी कि तेरी पढ़ाई लिखाई बंद करवा दूं। वैसे भी पढ़ाई लिखाई कौन सी तेरे काम आनी है? घर का काम सिखाऊंगी तुझे, खाना पकाना, पैर दबाना, झाड़ू पोता करना, ठीक है ना? अरे अगले घर जाएगी तो सब लोग सुखी रहेंगे, तू भी सुखी रहेगी, ऐसे रोएगी तो नहीं कम से कम। सुन, तू अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती है तो फिर मेरी बात कान खोल कर सुन ले, तो सिर्फ और सिर्फ वो करेगी जब फूफी दादी कहेगी। खुशी बेटा, ओ मेरी बच्ची, पानी लेके आओ। अब कुछ कहूंगी ना तो तू बुरा मान जाएगी। मैंने तुझसे पानी कब मांगा था? आधा घंटा पहले। तो फिर इतनी देर से क्यों लेकर आई पानी? या मेरे खुदा, अरे मनहूस लड़की, तुझसे कोई काम ठीक से होता भी है कि नहीं? इधर आ। पानी पिलाने को बोला था, सारा कारपेट खराब कर दिया। जा जाकर मेरा मुंह क्या देख रही, जाके कपड़ा लेके आ, पहुंच जल्दी। जीना हराम कर रखा है इसने। लाएगी नहीं कपड़ा। अब मेरा मुंह देख रही है, अपना मुंह पोछेगी इससे। पोछ जमीन। दोनों हाथों से पोछ वरना लगाती हूँ एक। पानी मांगा था वो भी नहीं पीने को मिलता है। चलो तुम्हारे पिताजी आए हैं।
कैसे हैं पापा आप? अगर तुम कह दो कि तुम खुश हो तो मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे खुश नसीब बाप समझूंगा। मैं ठीक हूँ पापा। अब जिसने इस अंधेरों में रहना सीख लिया हो, जिसने अपने बच्चों के बिना रहना सीख लिया हो, उसके लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। अमन और खुशी कैसे है पापा? अमन लौट आया क्या? नहीं बेटा, अमन तो अभी भी इंग्लैंड में ही है। उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन खुशी बिल्कुल ठीक है, उससे अक्सर मिलता रहता हूँ। खुशी कितनी बड़ी हो गई होगी पापा? इतनी बड़ी हो गई होगी? कितनी बड़ी हो गई है खुशी? कैसी दिखती है? कुछ भी नहीं पता मुझे पापा। कितने सपने देखे थे आमिर और मैंने अपने बच्चों के लिए, कि उन्हें पूरी दुनिया घुमाएंगे, उन्हें अच्छी तालीम देंगे, लेकिन हमारे सारे सपने टूट गए पापा। हमारी खुशियां हमसे छीन ली गई, हमें बर्बाद कर दिया गया पापा। कहाँ है वो? ठीक है, उसका कुछ पता चला? नहीं बिटिया, कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। इतना जरूर पता चला है कि वो इस वक्त इस शहर में नहीं है। 10 साल, मुझे लगा था 10 साल में बहुत। तेरे सीने में चल रही आग जरा भी कम नहीं हो जा रहा। जब सीने में आग लगी हो पापा, तो ये तपिश कैसे कम हो सकती है? जब तक आमिर के कातिलों को सजा नहीं मिल जाती और मेरे सर पर से ये बदनामी का दाग नहीं हट जाता, तब तक ये आग यूं ही जलती रहेगी। बहुत कुछ खोया है मैंने इस नफरत में पापा। आमिर को खोने का गम, मेरे बच्चों की नफरत। एक माँ अपने बच्चों को सीने से लगाने के लिए तरस गई है। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। आपने ही मेरे पापा को मारा है। I hate you, mom, I hate you. अमन और खुशी क्या अब भी मुझसे? पता नहीं जारा उनके दिल में क्या है। जब भी तुम्हारा जिक्र आता है तो खामोश हो जाते हैं। अमन तो 8 साल से बाहर है। फूफी ने उसे पढ़ने बाहर क्या भेजा, वो लौट के वापस ही नहीं आया। छुट्टियों में भी पढ़ाई का बहाना करके टाल देता है। शायद वो घर से और घर की यादों से दूर भाग जाना चाहता है। शायद यही ठीक है पापा, वरना अतीत के पन्नों पर लिखे लफ्ज उसे जीने नहीं देते। खुशी कैसी है पापा? खुशी ने भी अपने आप को पूरी दुनिया से काट लिया। पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, कहीं आना जाना नहीं है। उसे देख के तो ऐसा लगता है कि उससे अच्छा तो अमन ही है। जहां रहे खुश रहे वो। अल्लाह अमन को मेरे हिस्से की खुशियां भी दे दे। लेकिन अमन के जाने के बाद खुशी तो बिल्कुल अकेली हो गई होगी। पता नहीं बेचारी अकेली कैसे रहती होगी, कैसे खाती होगी। तुम खुशी की फिक्र मत करो जारा, गुलफू भी है ना, वो खुशी का बहुत ख्याल रखती है, बहुत प्यार देती है उसे। हंस मेरी बच्ची हंस। हंस मेरी बच्ची हंस। सच कहूं जारा, गुल फूफी ने हमारी उम्मीद से परे बच्चों का बहुत ख्याल रखा है। अगर गुल फूफी ना होती तो शायद हमारी खुशी मुस्कुराना ही भूल जाती। हंस मेरी बच्ची हंस। आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा पापा, लेकिन माँ हो ना, रह रहकर बच्चों की फिक्र होती है। मन में बहुत अजीब से ख्याल आते हैं,
पता नहीं क्यों दिल घबराता है, मेरे बच्चे बस ठीक हो। हंस बेटा हंस, खूब हंस, जोर जोर से हंस, दिल से हंस मेरी बच्ची, हंस 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 ना खुशी, बस किसी तरह हंसती रहा कर समझी, खास तौर पर तेरे उस नानू के सामने। अगर उसके सामने तेरे चेहरे पर एक भी शिकन आई ना, तो फिर देख मैं तेरा क्या हशर करती हूँ। फटाफट पूरे घर का काम खत्म होना चाहिए, जितने दाग दिख रहे हैं सब जाने चाहिए, वरना उतने ही दाग तेरे चेहरे पर डाल दूंगी, समझी? गंदगी करके रखी है, चल इधर रखा पोछा, शुरू कर। चलना जल्दी, हाँ तेजी से चला। याद रख, गुल को मारना इतना आसान नहीं है, दस को मार के मरने वालों में से है गुल। लेकिन मैं, फिर तूने ज़बान खोली मेरे आगे, फिर उल्टा जवाब दिया। बंदा अगर ऐसी हिम्मत की ना, तो तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी, जल्दी कर। कितने दिनों से मैं तुझे कह रही हूँ कि खुशी बेटा जरा मेरे बालों में खिजाब लगा दे, टाई लगा दे, मेरे बाल सफेद हो गए, लेकिन नहीं, मैडम को तो फुर्सत ही नहीं मिलती। जल्दी कर, सब काम करने तुझे, आज मेरी डाई भी कर लेना, समझी? सुन लड़की, भूलना मत तू जिंदगी में, अगर एक बात भी तू भूली तो समझ ले कि मैं तेरी माँ का क्या हशर करूंगी। यहां से गुल फोन करेगी सीधा जेल में, और वहां वो लोग सारा के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अरे तेरे पीछे चीख चीख के तो मेरा गला ही बैठ गया है, या अल्लाह। खुशी, कभी कभी तुझे देखकर बहुत तरस आता है मुझे। अगर तूने अमन की तरह समझदारी से काम लिया होता तो आज तू भी अमन की तरह ऐश कर रही होती। नहीं, तुझे तेरी माँ की मोहब्बत में मरना है, अपनी माँ से वफादारी निभाना चाहती है ना, तो कर, यही लिखा तेरे नसीब में। हजारों मर्तबा कह चुकी खुशी, तेरी माँ कातिल है, उसने मेरे समर को मारा सबसे पहले, फिर उसने जीनत का कत्ल किया, उसके बाद उसने तेरे तेरे पापा को मार डाला। बेटा फूफी दादी, ये झूठ है, दादी और बड़ी अम्मा कहती थी कि मम्मा ने पापा को नहीं मारा है। अरे बेवकूफ लड़की, ये दोनों बुढ़िया तो पागल हो गई थी, तुझे एक ही काम करना चाहिए कि अब इनकी बातों को इनके साथ कब्र में दफन कर दे। जिंदा कौन है अब? हाँ, मैं जिंदा हूं। गुल इस घर की मालकिन है। देख खुशी बेटा, अगर मैं मालकिन हूं इस घर की, तो इस घर में सिर्फ गुल का सिक्का चलेगा, इसलिए कान खोल कर सुन ले। जारा ने तेरे बाप को मारा है, जारा कातिल है। मेरी माँ कातिल नहीं है, मेरी माँ कातिल नहीं है। हाँ खुशी, मैं कातिल नहीं हूँ।
बार मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे पापा के कातिलों को सजा दिलवा कर रहूंगी। जेल से बाहर आने के बाद मैं तुम्हारे माथे पर लगे इस बदनामी के दाग को मिटा कर रहूंगी। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ यही मकसद होगा।